बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। चंद्रशेखर जी आजाद, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, आवाज दो। एडवोकेट चंद्रशेखर जी आजाद। ओ मेरे काका, चाचा थोड़ा पीछे। देखिए, पहले तो यहाँ के मंच के संचालन करता है और यहाँ के जो जिम्मेदार कमेटी है उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का। फोन के चक्कर में ना पड़े नौजवान, मेरी आवाज उनके कानों तक आ रही होगी। मैं अपनी बात बाद में शुरू करूंगा, लेकिन प्रवक्ता जी ने एक बात कही है और वो बहुत जायज है। मैं भीम आर्मी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये आंदोलन हमारे अन्नदाता लीड कर रहे हैं, हमारे किसान संगठन लीड कर रहे हैं, उनका जो आदेश होगा वही मेरा आदेश है, उनके आदेश पे पूरा काम करना है। अगर उन्होंने ये कहा जब हम सहयोग के रूप में यहाँ आए, उन्होंने कहा कि आगे चलना है तो आगे चलना है, उन्होंने कहा कि यहीं बैठना है तो बैठना है, चाहे वो जगह कुर्बानी की हो, वो कुर्बानी शहादत चाहे कि वो जगह शहादत की हो या फिर वीरता की हो, आगे बढ़ने की हो, उस बात को फॉलो करना है। सत्यवान जी हमारे नौजवान प्रदेश अध्यक्ष यहाँ है भीम आर्मी के, आप अनुशासन में अपनी टीम को रखेंगे और जो हमारे नेताओं का किसान नेता जो यहाँ है उनका आदेश होगा उसको पालन करेंगे, आपकी जिम्मेदारी। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन किसान बिल के बारे में तो मैं इसलिए नहीं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि वो आप तमाम लोग जानते हैं और आप तमाम लोग किसान बिल पे बहुत बोल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं और मुझे क्या सरकार को भी जवाब दे रहे हैं। तो जितने यहाँ साथी किसान आंदोलन में पहुंचे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा नमस्कार सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। ये जो शहादतें हुई है ना किसान आंदोलन में, ये शहादतें व्यर्थ नहीं जाएंगी, हमारे आंदोलनकारियों की शहादत जो है वो फल जरूर लाएगी और फैसला हमारे हक में होगा। लड़ाई लंबी है, शांति बना के रखनी है, लेकिन सबसे पहले उन शहीदों को नमन करते हैं तो दो मिनट का मौन करेंगे और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि मीडिया को छोड़ के तमाम लोग, चाहे वो वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे एहसास कराएं कि आप बातों को मानते हैं और आपके दिलों में उनके लिए दर्द, प्यार और सम्मान है। मैं मौन की घोषणा करता हूं, अगली 3-4 सेकंड बाद घोषणा करूंगा, आप लोग जो है मौन का बैठे बैठे समर्थन करें। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम शहादतों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर शहादतों से लोग बचेंगे। मौन, धन्यवाद। जी जरूर जरूर,
अब मैं जब आया तो अपने नौजवान साथियों से कह रहा था कि किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ। जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता वो देश कभी खुशहाल नहीं होता। और किसान जो है एक बार तो बेवकूफ बन चुका है, कब, जब मोदी जी ने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करने के लिए आए। अगर इनको किसानों को बेकार बीज दे दिया जाए तो एक बार तो धोखा खा लेते हैं कि भाई चलो बीज पे भरोसा करते हैं, लेकिन दोबारा भरोसा नहीं करते हैं। सत्यता यह है कि मोदी जी ने यह कहा था, हमारे सच्चे और ईमानदार किसान नहीं सुन पाए कि मैं लागत दुगनी करने के लिए आया, मैं किसानों की लागत दुगनी कर दूंगा, तुम्हें इतना तोड़ दूंगा कि तुम इस खेती वेती को छोड़ के और मजदूरी काम करना ज्यादा बेहतर समझोगे और मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी, इस देश में किसानों की संख्या कम हो जाएगी। और जिसके साथ किया ऐसा ही किया, सिर्फ किसानों के साथ नहीं, नौजवानों के साथ, नौजवानों को सपने क्या दिखाए थे, 56 इंच का सीना से करके कहा कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अब मां बाप ने पढ़ाई करवाई है, बहुत मेहनत की है, अपना पेट काट के बच्चे को पैसे दिए कि भाई ये नौकरी लग जाएगा, मोदी जी कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार पिछले 6 साल में इन्होंने खत्म कर दिया। तो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। इन्होंने कहा हम क्या करेंगे कि काला धन वापस लाएंगे, और झूठे इतने हैं, प्रधानमंत्री सच तो कभी बोलते नहीं है। मैं कहता हूं कि हो सकता है कयामत आ जाए जिस दिन प्रधानमंत्री सच बोल जाए। झूठे इतने हैं कि कह रहे काला धन वापस लाएंगे, और आप विश्वास कीजिए काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन जितने लोग गुजरात के जिन्होंने कर्जा सरकार बैंकों से लिया था वो सारे विदेश चले गए, अरबों खरबों रुपए यहां से लेके जो चले गए। तो इनके नारों की जो सच्चाई है वो उल्टी है। ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास करेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं, अमीरों का विकास कर रहे हैं, गरीबों के लिए खाई खोद रहे हैं। इनको ये नहीं पता जो खाई आप खोद रहे हैं इसी खाई में एक दिन आपको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें याद है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब आई थी तो कुछ चाटुकार लोगों ने ऐसे उनका समर्थन किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेज आए थे तो कुछ चाटुकार लोगों ने ऐसे उनका समर्थन किया था, और जब वो धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें जो है वो गहरी करती गई तो उन्होंने देश पे कब्जा कर लिया।